भाई अरविंद शर्मा जी का तो कहना ही क्या है, तो बहुत पुराने क्लिप पे कई कई घाट का पानी पी रखा, सारी चीज अरविंद शर्मा जी ने पता है। माहौल खराब करने पर प्रियस्ता भी आपस में कंफ्यूजन हो जाए, पटर हो जाए, माहौल खराब हो ही गया था। जो उन्होंने चुनौती दी पर्चे उड़ाने की, जो धमकी दी स्टेज पर निचरने देने की, जो जो धमकी दी है, और उसके जो साथी थे, जो उसके थे, जो गुंडा छाप गुंडे की तरह जो धमकी दे रहा था, मैं अरविंद शर्मा की हर गुंडाई को, हर धमकी को कबूल करता हूँ। रोहतक में आज कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स और भाजपा सांसद अरविंद शर्मा के बीच सरेआम नोकझोंक हो गई। दोनों के बीच पहले तू तू मैं हुई और फिर देखते ही देखते दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए, और इस दौरान दोनों तरफ से ऐसी नोकझोंक हुई कि हालात संभालते संभालते पुलिस वालों के पसीने छूट गए। तो सुरक्षा कर्मी हैं। दरअसल रोहतक में आज भगवान परशुराम आश्रम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बादला से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स और रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान मंच से कुलदीप वत्स ने अरविंद शर्मा को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी कि माहौल देखते ही देखते गर्म हो गया। मंच से उतरने के बाद पहले तो अरविंद शर्मा ने कुलदीप वत्स से अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन बाद में दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे से ऐसे उलझे कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। तो चलिए सबसे पहले कुलदीप वत्स का वो बयान सुनाते हैं जिसके चलते ये पूरा विवाद हुआ। और भाई अरविंद शर्मा जी का तो कहना ही क्या है, तो बहुत पुराने क्लिप पे कई कई घाट का पानी पी रखा, सारी चीज अरविंद शर्मा जी ने पता है, क्योंकि कहने में कभी आदमी ने संकोच नहीं करना चाहिए। मेरा देश सोने की चिड़िया थी, आज मेरा देश शेर बब्बर बनेगा, पर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं आज, अरे भाई डॉक्टर साहब सोने की चिड़िया ही बना दो, बब्बर शेर तो सब क्या ना खा जाता है, मैं अपनी एक बात नहीं है। कुलदीप ने मंच से कहा कि अरविंद शर्मा ने तो घाट घाट का पानी पिया है, उन्हें सब मालूम है। बस इसी बात को लेकर अरविंद शर्मा नाराज हो गए और हंगामा बढ़ता चला गया। कुलदीप के इस बयान पर अरविंद शर्मा ने कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन हुड्डा ने कुलदीप वत्स को शायद इसीलिए भेजा था कि माहौल खराब करना है। ऐसा कोई हंगामा नहीं हुआ और बिल्कुल बहुत शांति से प्रोग्राम चल रहा था, सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, और कुछ साथी जो है राजनीतिक माहौल को लेकर के, राजनीतिक विचारों को लेकर के आए हुए थे, जबकि मंच से बार बार अनाउंसमेंट की जा रही थी कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, कोई राजनीतिक बात ना करें, तो कांग्रेस की बात लेकर के आ रहे जी। कुछ साथियों को भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने 100% बात है, क्योंकि जब पाटत की समाज की जो बात है तो समाज की बात समाज के तरीके से होनी चाहिए, उसमें ऐसी बातें ना जाएं कि जिससे समाज में कुछ फ़र्क आए। कुछ ऐसे साथी वहाँ पर मौजूद हो गए थे जो कि भूपेंद्र और दीपेंद्र ने भेजे, और उन्होंने ऐसी बात करने की कोशिश की जिससे लोगों में थोड़ी सी लोगों में नाराजगी। क्या माहौल खराब करने का प्रयास था? माहौल खराब करने पर प्रयास था भी आपस में कन्फ्यूजन हो जाए, पाटत हो जाए, माहौल खराब हो ही गया था, आपने देखा। लेकिन लोगों की समझदारी से लोग बाग इस बात को समझ गए कि भी ये क्या किस द्वारा स्पॉन्सर्ड था, ये कांग्रेस के लोग थे और उन्होंने इस तरह की माहौल को खराब करने की और प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश की, लेकिन प्रोग्राम को खराब नहीं कर सके। विधायक और सांसद के बीच छिड़ी ये नोकझोंक यही नहीं थमी, अब कुलदीप वत्स खुलकर अरविंद शर्मा को चुनौती दे रहे हैं। कुलदीप वत्स ने कहा कि अरविंद शर्मा ने मेरे पर खच्चे उड़ाने की धमकी दी है और ये चुनौती वो स्वीकार करते हैं। जिसका बड़ा भाई था अरविंद शर्मा जी, जिसे उसकी सोच थी, मैं उसकी हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। कहीं ना कहीं नफरत पैदा की हुई जो उन्होंने चुनौती दी पर्चे उड़ाने की, जो
जो धमकी दी स्टेज पर नहीं चढ़ने देने की, जो जो धमकी दी है और उसके जो साथी थे, जो उसके थे, जो गुंडा छाप गुंडे की तरह जो धमकी दे रहा था, मैं अरविंद शर्मा की हर गुंडाई को, हर धमकी को कबूल करता हूँ। जिस प्रकार से मेरे पर्चे उड़वाना चाहे, मेरे पर कच्चे उड़वाना चाहे, जिस प्रकार मरवाना चाहे, जिस प्रकार इलाज करवाना चाहे, उसकी खुली छूट है, करवा सकता है। दरअसल भगवान परशुराम आश्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्राह्मण नेताओं को आमंत्रित किया गया था, जिसके चलते अरविंद शर्मा और कुलदीप वत्स कार्यक्रम में पहुंचे थे। हालांकि कुलदीप वत्स ने गैर राजनीतिक मंच से सांसद अरविंद शर्मा पर ये टिप्पणी क्यों की, इसका जवाब तो कुलदीप ही दे सकते हैं, लेकिन एक विधायक और सांसद के बीच सरेआम इस तरह की लड़ाई और नोकझोंक शोभा नहीं देती। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।